हाँ तो शिखा जी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डाटा बना लेता हूँ अपने पास। कोई नहीं आएगा क्या? बस जी आप दो ही हो, बाकी एक हैं वो आ जाएंगे अपने तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था फिल के बारे में, फिल फिल क्या होता है हमारा, जब हम इस तरह से कभी सीरियल नंबर डालने होते हैं जो ड्रैग करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फिल। इसमें क्या होता है, अगर आपको दो सीरीज एंटर करके तब ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल में जाने लगता है, ठीक है जी। आपको सिंगल ही एंटर करके अगर इंक्रीमेंटल में लाना है तो इस पे ले आइए, काला डॉट सा दिख रहा है, इस पे ले जाएंगे तो प्लस का साइन बन जाएगा। जब इसमें कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर एक और प्लस आ जाएगा, इसका मतलब ये इंक्रीमेंट मोड पे चल रहा है। अब इसको आपको ड्रैग करना है तो ये ड्रैग हो जाता है, ठीक है जी। जैसे ये एक 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 आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करता हूँ ये हमारा इंक्रीमेंटल में आ जाता है। फिल का जो मैंने बताया था आपको, सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है वो डेट के साथ आता है। अब मुझे इस लिस्ट में डेट इंक्रीमेंट करनी है, मान लीजिए हम यहाँ से सीरीज में जाएंगे, फिल में सीरीज में डेट है हमारे पास जिसमें हम डे वाइज इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, या कितने दिन, 5-5 दिन के गैप पे, 5-5 दिन के गैप पे दिखा रहा है। इसी तरह से वीकडेज स्टेप वैल्यू 5 कर देते हैं, ठीक है जी। वीकडेज अपने आप छोड़ता, सैटरडे संडे छोड़ता जाएगा ये। मंथ में अगर मैं गैप देता हूँ 2 तो ये एक एक महीना छोड़ के, मतलब 2 महीने ऐड करता है। इसी तरह से हमारे पास ईयर भी है, ठीक है जी। अब एक चीज देखिए, जैसे हमारे पास Jan to December है, अब इसको मुझे इस तरह से लिखना हो, इसी तरह से, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, कभी किया है ये चीज? इसके लिए मैं बताता हूं आपको, एक सिंपल ऑप्शन है। जैसे एक ही से मैं लाना हो हमें, इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ को बढ़ा लीजिए, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिल में ही जाके जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए,
एक सेल में आ गए आपके। रही कॉमे की बात, तो बीच में सबके स्पेस है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है स्पेस। मैंने स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस आ गया, जिसको मुझे रिप्लेस करना है कॉमा एंड स्पेस। ठीक है, रिप्लेस कर देता हूँ। इस तरह से मेरे पास डेटा आ गया, इसका ही नहीं किसी भी लिस्ट का। अब ये तो रहा कि हम यहां तक ले आए, वापस अगर हमें इसको सेपरेटेड ऐसे लिस्ट में डालना है जैसे था ये वैसे करना है, हम फिर से क्या रिप्लेस करेंगे? स्पेस नहीं, कॉमा और स्पेस को किसके साथ? केवल स्पेस के साथ रिप्लेस। इसको यहां पे ले जाके उतने पे छोड़ देंगे जितने में एक वर्ड आता है, ठीक है, कॉलम विड्थ को, और देन जस्टिफाई पे अगेन क्लिक करेंगे। ओके, तो आपके फिर से अलग अलग सेल में आ गए। क्लियर का मैंने बताया था आपको, क्लियर में अगर हमें इस पे क्लियर ऑल पे करेंगे तो सब चीज फॉर्मेट और डाटा कंटेंट दोनों डिलीट हो जाएंगे। क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे, जो भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नंबर फॉर्मेट जो भी लगा होगा वो क्लियर हो जाएगा। कंटेंट पे करेंगे तो कंटेंट डिलीट हो जाएंगे, फॉर्मेट रहेगा। क्लियर कंटेंट, डेटा डिलीट हो जाएगा। क्लियर कमेंट में अगर किसी ने कमेंट वगैरह दे रखा है, इकट्ठे ही साफ करना है, तो आपका अब बस सिलेक्ट कीजिए, यहां से क्लियर कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिल और क्लियर का ये यूज है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ फाइंड और सिलेक्ट का। क्या होता है कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, हमारे पास कुछ डेटा है, मैंने इसको कर दिया यहां से कुछ ऑडिट शॉडिट कर दिया, कुछ और कलर दे दिए, मान लीजिए ये इस तरह से कुछ लाइन मैंने येलो से हाईलाइट कर दी। अब इसमें कोई कहता है कि यार ये हमने जिसको दिखाना था उसने दिखाया, कहा कि येलो थोड़ा सा वैसा है, इसको ग्रीन में आप कर दो। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से फिर कलर करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करेंगे एक एक वैल्यू करके। शॉर्ट सोल्यूशन क्या होगा इसका? अब यहाँ से फाइंड में जाए। रिप्लेस कर देंगे सर। फाइंड व्हाट, यहां से एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ये ऑप्शन खोलेंगे। फाइंड में आप वैल्यू कुछ हो, वैल्यू के साथ साथ आप फॉर्मेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या है, क्या फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। फिर यहां से भी आप चूज कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है, अदरवाइज आप चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। हमने कहा आप यहां से पिक करो और रिप्लेस किसके साथ करो, ग्रीन के साथ। रिप्लेस ऑल करते ही ये रिप्लेस कर देगा, बट डेटा क्यों गायब हो गया? बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले ही कुछ दिया हुआ था, स्पेस था यहाँ, इसके कारण। दोबारा करते हैं, देखते हैं इसके अंदर और कुछ नहीं होना चाहिए। अब रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस हो गया। और किस जगह यूज करूंगा मैं इसको?
जैसे हम एक हमारे पास अमाउंट है 200 रुपए, इस पे यहाँ पे मैंने सर्विस टैक्स लगाया 12.36%, ठीक है जी। अब दोनों को ऐड किया, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब जब मैं I6 को प्लस कर रहा हूं तो अब मुझे क्या करना है, I6 का ये डाटा कॉपी करके इसमें लाना है। मैंने पहले बताया था कि आप यहां से इसमें जाके इस तरह से कॉपी करें और फिर यहां पेस्ट कर दें। इसके लिए दूसरी चीज क्या करेंगे हम, अब जैसे एक जगह रेफरेंस है तो ठीक है, I6 एक बार आया ठीक है, कई फॉर्मूले हमारे लंबे हो जाते हैं जिसमें एक ही फॉर्मूला 20-25 बार रिपीटेड हो जाता है, तो वही I6 का हम बार बार बदलेंगे तो नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 बार जोड़ो इसमें ये, ठीक है, 2 बार सर्विस टैक्स लगा दिया, ऐड कर दिया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक कॉपी करूंगा, इस पे जाऊंगा, फाइंड व्हाट मैंने कहा आई I6, ठीक है, रिप्लेस में मैं इसके अंदर फॉर्मूला डाल दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर, ये यहां से मैं खाली चूज कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी, रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला रिप्लेस हो गया, ठीक है जी। अब इस सेल की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है, तो ये बड़े फॉर्मूला को लगाने का शॉर्टेस्ट वे है। आप मतलब थोड़ा थोड़ा अपने लॉजिक्स को तोड़ के फॉर्मूले अप्लाई करें, फिर कॉपी करके इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे चलता है ये इसमें, अब सपोज हमारे पास एक चीज हमें फाइंड करनी है, 4-5 शीटें हैं हमारे पास, ये मेरा इधर भी है, इस तरह से कुछ डेटा है, मैंने कहा संदीप को फाइंड करो, यहाँ फाइंड कर रहा है, फाइंड डाल करता हूँ, सारे इसी शीट में फाइंड कर रहा है, यहाँ से विद इन शीट और विद इन वर्कबुक का आपके पास ऑप्शन होता है। अब फाइंड ऑल करेंगे तो आपको शीट 2 के रेफरेंस भी दिखाएगा, मतलब उस शीट में जितने भी हमारे उस वर्कबुक में हमारी जितनी भी शीटें होंगी उसमें हम कोई भी चीज फाइंड करा सकते हैं। अभी हमारी सर्चिंग कैसे चलती है, मैंने कहा फाइंड किया पहले, इसने वो वैल्यू फाइंड की, दूसरी यहां से फाइंड करा तो मैं पहले फाइंड नेक्स्ट, फाइंड बाय रो चल रहा है, मतलब रो में पहले फाइंड करता रहेगा। कई बार क्या होता है, हम अगर हमें इसी विदिन इसी रेंज में फाइंड करना है तो हमें सिलेक्ट करके करते हैं, तो इस रेंज के अंदर फाइंड करके दिखा देगा हमें। सिलेक्ट करके हम फाइंड करेंगे, दूसरा बाय कॉलम भी हम चला सकते हैं, कॉलम वाइज फाइंड करेगा, यहाँ यहाँ फिर यहाँ, तो जैसे आपकी जरूरत हो आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा वैल्यूज, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला रिप्लेस दिखाया, ये फॉर्मूला रिप्लेस था, एक होता है वैल्यू फाइंड करें,
जैसे मैं देखता हूँ चला के ये चलता है, फॉर्मूला फाइंड करना है मुझे ये वाला। ये नहीं मिलेगा, अगर मुझे फॉर्मूला फाइंड करना है तो मुझे फॉर्मूला में ही देखना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे दिखा रहा है मेरा। तो पहले फार्मूला फाइंड करा के उसके अंदर हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा डेटा को अपने चेंज करते हैं। यहाँ मैंने फॉर्मूला डाल दिया, एक जगह मैंने एरर डाल दी, कोई एरर है। यहाँ मेरा वैल्यूज में एरर है, यहाँ बीच में गैप है, एक इधर गैप है। फाइंड एंड सिलेक्ट में हमारे पास है गो टू स्पेशल। गो टू और गो टू स्पेशल में, गो टू तो खाली एक रेफरेंस को पे जाने के लिए होता है, गो टू करेंगे हम कहेंगे कि ए वन पे चला जा, तो ये ए वन पे चला जाएगा यहाँ। गो टू स्पेशल में कमेंट्स पे करेंगे तो यहाँ पे कहीं कमेंट्स लिखी होगी उस पे चला जाए। कॉन्स्टेंट्स हमारी वैल्यूज ढूंढेगा खाली, फॉर्मूला इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन ये छोड़ दिया इसने सिलेक्शन में, इसका सिलेक्शन, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये विजिबल रहे। तो जिस पे इफेक्ट हो रहा है ये मेरी वैल्यूज सिलेक्टेड है, ये भी छोड़ दिया। कांस्टेंट मतलब आपकी वैल्यूज हो गई, तो ये वैल्यूज को फाइंड करता है। फॉर्मूला, फॉर्मूला में नंबर टेक्स्ट या एरर, इसी तरह आप कांस्टेंट में भी कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला में एरर फाइंड करा रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी एरर नहीं आई जो इस रीजन में जाके। गो टू स्पेशल फॉर्मूला, एरर एरर फाइंड कर ली, पहले सिलेक्टेड था इस कारण से नहीं कर रहा था। जहां भी होगी एरर आपकी, आपका गो टू स्पेशल उसको फाइंड कर लेगा। ये रहा, ब्लैंक्स, ब्लैंक्स कहाँ है, ये इसने ये सिलेक्ट कर रखे थे। सिलेक्शन में ये उतने पे ही चलता है। गो टू स्पेशल ब्लैंक्स, इसने आसपास का ब्लैंक एरिया सिलेक्ट कर लिया। इंपैक्ट कहाँ कहाँ है, ठीक है जी। करंट रीजन, करंट रीजन एक आपकी डेटा रेंज होती है, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन में जो आपका एरिया सिलेक्ट होता है वो करंट रीजन के अंदर आ जाता है, बेसिकली ये डेटा सेट। ठीक है जी, करंट एरे, हमारे पास कुछ एरे फॉर्मूला होते हैं। ये एरे फॉर्मूला क्या होते हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा।
ये मल्टीपल सेल पे वर्किंग के लिए होते हैं। तो ये मेरा एरे कहाँ तक लगा हुआ है, ये मेरा यहाँ से गो टू स्पेशल करंट एरे, मेरा एरे की रेंज बता देगा मुझे कि कहाँ मेरा एरे फॉर्मूला पड़ा हुआ है। रो डिफरेंसेस, ये इस रीजन से बाहर है इस कारण यहाँ नहीं दिखाना, यहाँ पे आ जाते हैं हम अंदर, गो टू स्पेशल रो डिफरेंसेस इसके अंदर, यहां मैंने कहा ये डिलीट कर देता हूं। फाइंड करते हैं, सिलेक्टेड है रो डिफरेंस और कॉलम फोन की डिफरेंस, फॉर्मेटिंग हटा दो आप। रो मेरे ख्याल से जहां पे डिफरेंट मतलब जो वैल्यू पड़ी होती है वहां चलता है, देख लेते हैं कहां से, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, गो टू स्पेशल रो डिफरेंसेस, नहीं या तो इसमें नहीं चल रहा होगा, वैसे ये यही काम करता है जो भी आपकी रो में डिफरेंस आते हैं जहां जहां वो एरिया सिलेक्ट कर लेता है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एंटर है, ये इस तरह का काम करता है। कॉलम डिफरेंसेस भी इसी तरह से है, यहाँ दिखाएगा ही नहीं। प्रेसिडेंस डिपेंडेंस, अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ये डी फोर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से रेफरेंस लिया हुआ है, तो ऐसे रेफरेंस पे डाल जाने के लिए, डायरेक्ट जाने के लिए प्रेसिडेंस डिफरेंस ये सब लगता है कि ये आपको वहां पे चला जाता है कि जहां से इसका ओरिजिन हुआ था रेफरेंस। अगर इसमें मैंने दो वैल्यू लगाई होती, दो प्लस करके, तो ये इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लेगा, डिपेंडेंस प्रेसिडेंस एक्चुअली, तो ये दोनों इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ये ठीक है जी। सेम इसी का उल्टा जो होता है कि ये किस फॉर्मूला में यूज है, कहीं इस पर किसी फॉर्मूला में हम ये वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसी के लिए अगला ऑप्शन है डिपेंडेंट्स का। एक है इसमें ऑप्शन डायरेक्ट ओनली, इसमें डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स में क्या होता है, मैंने इस वैल्यू को यहाँ यूज किया और फिर इसको कहीं और यूज कर दिया, तो अल्टीमेटली ये इसके ही रिजल्ट के थ्रू आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको यूज कर दिया। अब मैं ये पूछूंगा ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है ऑल लेवल से, तो ये वहां तक दिखा देगा मुझे, ये भी आपका सिलेक्ट होगा। ठीक है जी, और क्या होता है इसमें, लास्ट सेल, उस रीजन की लास्ट सेल, जैसे जैसे इसमें वर्किंग करते जा रहे हैं इसका रीजन बढ़ता जा रहा है, तो सबसे लास्ट सेल पे जाके दिखा देगा सबसे लास्ट सेल। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सपोज हमारा कभी फिल्टर लगा है और हमने कोई एक डेटा जैसे ब्लैंक्स डिलीट करने हैं, अब इसमें मेरी दो, ये जो नीली नीली दिख रही है आपको, ये दो मेरी फिल्टर होके आई हैं, मैं कई बार इसको डिलीट करने लगता हूँ और बीच का डेटा डिलीट हो जाता है, मोस्टली नहीं होता,
पर जब होता है तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपका बीच का डेटा डिलीट होने लगता है, तो उसमें हम सिलेक्शन के बाद, इस तरह से सिलेक्शन के बाद यहाँ से विजिबल सेल्स ओनली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें इसका सिलेक्शन जो है ओनली विजिबल जो हमें दिखाई दे रही है उन्हीं पे होता है, तो मिस्टेक के चांस नहीं होते, डेटा लॉस होता है कई बार हमारा इसकी वजह से, उसके चांस नहीं होते। कंडीशनल फॉर्मेट्स, कहीं कंडीशनल फॉर्मेट लगा है उसको फाइंड करेगा, डेटा वैलिडेशन को फाइंड करेगा। इसमें कहीं हमने पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर रखी है या कोई शेप बना रखी है, तो एक्सेल इनको ऑब्जेक्ट के रूप में पहचानता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए गो टू स्पेशल में आप ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके ऑब्जेक्ट पे सिलेक्शन दे देगा। अब चलते हैं डेटा वैलिडेशन के कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। डेटा वैलिडेशन हमारा डेटा में होता है, ये डेटा वैलिडेशन। जैसे आप फॉर्म पे कोई एक फॉर्म बनाते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं, जैसे वेबसाइट्स वगैरह भी होती होंगी, पासवर्ड वगैरह होते हैं इस टाइप से, मोबाइल नंबर जैसे हमें एंटर करवाना है यूजर से, किसी को हमने फॉर्म बना के दिया है, इनकम टैक्स वगैरह के भी इस तरह के फॉर्म होते हैं। मैंने कहा इस पे मोबाइल नंबर ही एंटर होना चाहिए। अब मोबाइल नंबर की क्या कंडीशन है कि इसमें 10 डिजिट का होना चाहिए, न्यूमेरिक होगा, 10 डिजिट होगा। हाँ न्यूमेरिक होगा, 10 डिजिट होगा, ये दोनों ही कंडीशन लगेगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक हमारे पास लेन का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट की लेंथ बताता है, ठीक है जी, ये बता रहा है। तो एक वैलिडेशन का एक क्राइटेरिया हो गया हमारा कि जो लेंथ है इसकी 10 होनी चाहिए। दूसरा किस तरह से पूरा करेंगे, हमारे पास एक न्यूमेरिक टाइप का फंक्शन है। इसमें क्या आ रहा है कि टाइप का फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू नंबर, नंबर के लिए 1 रिटर्न करेगा, टेक्स्ट के लिए 2 रिटर्न करेगा, लॉजिकल के लिए 4, एरर के लिए 16 और एरे के लिए 64। तो इसमें अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, और यहां अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो 2 रिटर्न करेगा। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है, हाँ हमें ट्रू फॉल्स में चाहिए, ट्रू फॉल्स में ही चाहिए, मतलब ट्रू के केस में ये एंटर करने दे, फॉल्स के केस में एंटर ना करने दे। देखते हैं, हम करेंगे कि ये जो है सबसे पहले तो एंड लगाएंगे क्योंकि 2 कंडीशन हो गई। ये जो है वो इक्वल टू 10 होना चाहिए, एक कंडीशन ये हो गई हमारी, और ये जो है इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है? इसकी जगह और कुछ डालता हूं मैं,
ये हमारा टाइप का फॉर्मूला, ये लेंथ का, ठीक है जी, और ये हमारा एरर चेक। तो इस तरह की जो हमें है वो यहाँ लगानी है। अब मैं इसको इस कंडीशन से बाउंड कर सकता हूँ कि यहाँ मोबाइल नंबर ही एंटर हो। तो इस तरह से बाउंड करने के लिए हमारी डेटा वैलिडेशन यूज होती है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया। इस तरह के फॉर्मूले को पहले तो हम इसको एक ही सेल में कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया है C2 और D2, छोटे छोटे हैं तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब इन दोनों की जरूरत नहीं। अब क्या करूंगा, मैं इसको यहां से कॉपी कर लूंगा इक्वल टू तक फॉर्मूले को। अब जिस पे मुझे डेटा वैलिडेशन लगानी है वहां चला जाऊंगा, इस पे लगानी है, डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहां से मैं सिलेक्ट कर लूंगा कस्टम और यहां डाल दूंगा उसका फॉर्मूला। ओके, इसको कॉपी करेंगे और जहां तक हमें करना है सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में हमारा ये जो वैलिडेशन का था, जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, ये वैलिडेशन आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, आप ट्राई करते हैं, एरर शो करेगा ये। इसी जगह कोई फॉर्मूला लगाऊंगा, 10 डिजिट से कम देंगे तो भी एरर शो करेगा। ये देखिए। ठीक है जी, तो इस तरह से इस पे वैलिडेशन लगा सकते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको सैंपल दिखाया, बाकी वैलिडेशन में क्या क्या कर सकते हैं और अब बाकी नॉर्मल फीचर्स हैं जिसको आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। पहला कि वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ एनी वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट रहता है, कि मतलब कोई भी डाले कोई मतलब नहीं, होल नंबर 1 से 100 तक या जितने का मर्जी। अगर मैं इसमें 1 से 100 तक बोलूं तो ये 1 से 100 तक की ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। 10 डालूंगा ओके, 101 डालूंगा तो एरर। ठीक है जी, 9.5 डाल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैलिडेशन में होल नंबर सिलेक्ट था इसलिए डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। डेसिमल वैल्यूज के लिए आपको डेसिमल सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी क्राइटेरिया सेम रहेगा। तो 9.5 भी डाल सकते हैं, 100 सिंपल भी डाल सकते सर एक हैं। क्वेश्चन था, हाँ जी, अगर डेसिमल और होल नंबर दोनों करने हो तो? दोनों के लिए आप फिर डेसिमल को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि डेसिमल अभी इसमें डेसिमल लगा हुआ है। अब मैं इसमें सिंपल डाल रहा हूँ, चल रहा है, नाइन अच्छा, पॉइंट सिक्स मतलब भी डाल दोनों रहा अगर करने हैं तो हूँ। हाँ डेसिमल दो, भी डेसिमल सिलेक्ट कीजिए, दोनों आएंगे फिर। हाँ जी, क्योंकि वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लिमिट हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, डेसिमल होल। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हम चाहते हैं कि ये यूजर को एक लिस्ट दे दे, क्योंकि वो अपने हाथ से लिखता है, कई बार गड़बड़ कर दे, हम यस नो में लिखवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे यस नो, या कोई भी लिस्ट, सिटी की लिस्ट हो गई, जो भी हो गई, जिससे हम वी लुकअप वगैरह से जाके करेंगे। तो लिस्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। इनके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, एंटर ही नहीं करने देगा। ठीक है जी, लिस्ट में आप एक तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, और नहीं तो आपने कहीं उसकी लिस्ट बना रखी है तो आप उसको सिलेक्ट करवा दीजिए। ये आ गए,
ठीक है जी। तो इस तरह से इसमें लिस्ट आ सकती है, और देखते हैं क्या आ सकता है। डेट वगैरह एंटर करनी है आपको, स्टार्ट डेट एंड डेट। पर डेट जो है इसके डेट के फॉर्मेट में डालें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजिंग रहेगा। एक जनवरी 14 तक की डेट ही आ सकती है इसके अंदर, मैंने लिख दिया। अब मैं 1 नवंबर 13 डाल रहा हूँ, ओके। बट मैं अगर 14 डालूंगा तो एरर। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ना कुछ क्राइटेरिया है, नॉट बिटवीन इक्वल टू, इस तरह से हम लॉजिकल बेस पे भी इसको कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू ये होनी चाहिए या वो, कुछ जो भी क्राइटेरिया देना चाहे। टाइम, टाइम भी सेम है, टाइम भी हम उसी तरह से दे सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ, जो मैंने आपको लेंथ के जरिए करवा के दिखाया वो मैं टेक्स्ट लेंथ के जरिए भी कर सकता था। बिटवीन है इक्वल टू 10, ये काम इससे हो जाता, पर मुझे था कि नंबर ही होने चाहिए तो फिर वो गड़बड़ होता, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। अब ये इसमें कुछ फॉर्मेट में गड़बड़ हो रखी है, इस कारण ये ऐसे दिखा रहा है। जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर इसमें मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ तो गड़बड़, पर मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ। दस डिजिट का इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब कर सकते। इसके बाद हमारा आ जाता है कस्टम। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके अलर्ट जो है, जैसे टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10, ये मैं कर देता हूँ। एरर अलर्ट का दिखाता हूँ किस तरह की एरर आनी चाहिए। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, रुक जाओ। ओनली 10 डिजिट वैल्यू इज अलाउड। साइन कैसा रहेगा? ठीक है जी। कंटिन्यू, इसमें जो हमारे वो थे अलर्ट वार्निंग में आपको रोकेगा नहीं, यस नो दे देगा। स्टॉप में क्रिटिकल है, रुकना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी। क्या करते हैं, हमारे पास एक लिस्ट है, एक एचआर की है, एक एडमिन की है। हम यहाँ पे बनाते हैं एक टास्क लिस्ट। जैसे टास्क लिस्ट है, डिपार्टमेंट और पर्सन, ये मैंने टास्क असाइन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एचआर एडमिन के अंदर कुछ बंदे हैं, राहुल, रवि, हीरा, मुकेश, मनीष,
ये मेरे पास कुछ बंट है। अब मैं ये चाहता हूं यहां पे जो वैलिडेशन लगानी है मैंने, क्या लगानी है? लगा के दिखा देता हूं आपको। लिस्ट में मैंने तो दे दिए इनका, एक एचआर एडमिन। ओके, अब यहां पे मेरे पास मैं इनको एंटर कर सकता हूँ, पर मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं यहाँ एचआर सिलेक्ट करूं, अगली वैलिडेशन में ये लगाऊं कि अगर मैं एचआर सिलेक्ट करूं तो यहाँ की वैलिडेशन में मुझे एचआर के बंदों के नाम दिखाए, एडमिन सिलेक्ट करूं तो यहाँ के बंदों के नाम दिखाए। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको नेम डिफाइन नेम के बारे में बताया था, इसको सिलेक्ट करेंगे हम इस रेंज को, फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पे हमारा डिफाइन नेम, ठीक है जी, या फिर आप डायरेक्ट यहां से दे सकते हैं वो नाम जो आप इसका रखना चाहें इस रेंज का। मैंने एचआर रख दिया इस रेंज का नाम, इस रेंज का नाम मैंने एडमिन रख दिया, ठीक है जी। अब ये मेरे पास नेम्ड रेंज है, इसको मैं देखता हूँ नेम मैनेजर में, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे को रेंज दिखा रहा है, एचआर की सिलेक्ट करता हूँ तो ये रेंज दिखा रहा है। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को मैं यहां लिखता हूं B2 एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी रेंज टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो नेम भी जो होता है हमारा एड्रेस होता है, और नेम मैंने इनके हिसाब से रखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला है ये मैं कुछ इस तरह से करूंगा, यहां से मैं एचआर से ये सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी ये एरर दिखा रहा है, पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, डेटा में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ तक, जहाँ तक लेना पेस्ट स्पेशल से सिलेक्ट कर लो। यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन कर दूंगा। अब यहां से मैंने एचआर सेलेक्ट, एडमिन सेलेक्ट किया, एक सेकंड वैलिडेशन में आया भी नहीं, K3 यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लगता है। कस्टम इनडायरेक्ट K3 नहीं, नेम्ड रेंज, हाँ K3। ओके ओके, अब कमाल की बात है, वैलिडेशन नहीं लग रही इसमें। ये हम लिस्ट में वैल्यू डालेंगे, कस्टम में नहीं डालेंगे, लिस्ट में ही डालेंगे, अलाउ लिस्ट में। अब वैलिडेशन हमारी आ गई, कॉपी करके जहां आना है ये वैलिडेशन पेस्ट कर दी मैंने। अब क्या करते हैं, यहां से मेरा एडमिन सिलेक्ट है, यहाँ एडमिन के बंदे, और यहां जब मैं इसको एचआर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे
इसको क्या करना है आपने ना, ये इसकी जो नेम्ड रेंज बनानी है इसको थोड़ा सा दूर पे बनाना है, पहुंच से दूर, ताकि ये चीज दिखाई ना दे या किसी शीट में बना के हाइड कर दे। इसको इसी तरह से करते हैं, ठीक है जी। तो आपको उससे रिलेटेड जो मेरा टास्क था, मैंने एचआर में अटेंडेंस का काम रवि को दे दिया। मैंने कहा सैलरी का भी एचआर में ही दे देते हैं, हीरा को दे दिया। फैसिलिटीज का मैंने एडमिन में जितेंद्र को दे दिया। इस तरह से एक सॉफ्टवेयर टाइप का डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन का काम ये होता है हमारा, वैलिडेशन में। एक हाँ बार ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दोबारा बता दीजिए। मैंने जी, कहा एक बार कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दोबारा बता दीजिए, जैसे आप बीच में बार बार गड़बड़ हुई है ना, एक बार कॉन्टिन्यूस बता दीजिए। इसका जो है देखिए, दो लिस्ट है हमारे पास, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, इनका नेम डिफाइन करना है। आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे उनका नाम दे दीजिए। नाम वही देंगे जो यहाँ पे इसकी आप हेडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है जी। केस सेंसिटिव होगा ये। यहाँ पे इसका नाम ऊपर वाली हेडिंग का दे देंगे, ठीक है जी। अब हुआ क्या इसमें, जैसे मैं एडमिन टाइप करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, तो ये हमारी लिस्ट हमारी यहाँ पे आ जाती है। ये एक्चुअली में रेंज है, एक एड्रेस रेंज है, ठीक है जी। तो इन दोनों का नाम यही होना चाहिए। दूसरा, मैंने इसमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज किया, जो क्या करता है, मेरा टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह से इनडायरेक्ट में मैं कोई भी टेक्स्ट डालता हूं, मैं कहता हूं B1, तो B1 की वैल्यू जो है, B1 मोबाइल लिखा हुआ है, वो वैल्यू मेरी यहां आ जाएगी। तो यहां पे मैंने लिस्ट में टेक्स्ट एंटर कराया, पहली वैलिडेशन लगाई मैंने, दो टेक्स्ट सिंपल एंटर कर दिए। और ये वही किए हैं जिन जो मैंने नेम्ड रेंज में डिफाइन कर रखे थे, ठीक है जी। दूसरी जगह मैंने डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में इनडायरेक्ट का फॉर्मूला दे दिया, K3 इसके सामने वाली। फिर इसको कॉपी करके, सेलेक्ट करके, पेस्ट स्पेशल में से वैलिडेशन को पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तब बेसिक फंक्शन क्या हुआ, जब मैं यहाँ से एचआर सिलेक्ट किया तो ये एचआर की नेम रेंज में गया, और यहाँ की लिस्ट जो है मेरे को यहाँ दिखा दी, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है, हाँ ठीक है जी। फिर बाकी कल देखेंगे, आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। ओके।